बिहार के पूर्णिया में शनिवार को महागठबंधन की महारैली हुई। इसमें नीतीश तेजस्वी समेत महागठबंधन के कई नेता भी शामिल हुए। रैली को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअली संबोधित भी किया। वहीं भीड़ में बैठी महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि कुछ पुरुषों ने उन्हें छेड़ा है, जिस पर महिलाओं ने काफ़ी आक्रोश में आकर हाथापाई शुरू कर दी और डंडे से पिटाई और पुलिस प्रशासन के सामने ही हड़कंप मच गया। माहौल यह बन गया कि झंडे को ही उल्टा कर डंडा बनाकर महिलाओं ने पुरुष पर टूट पड़ी। वहीं आपको बता दें कि इस रैली में आए बड़े बड़े नेता और इस चीज़ को ध्यान से देखते रहे और भाषण चलता रहा, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही थी। हड़कंप का माहौल था और महिलाएं एक दूसरे के साथ मिल गई थी और पुरुषों की जमकर पिटाई करने लगी। जो सामने आया उसे ही उन्होंने पीट डाला। वहीं पर महिला का आरोप था कि रैली में किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण से पुरुषों के द्वारा उन्हें गलत तरीके से छुआ जा रहा था और उन पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही थी। महिलाओं में यह आक्रोश देखकर पुलिस जहां चीज़ों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर महिलाओं ने जमकर पुरुषों की पिटाई कर दी। करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भूमिया, जय कोसी।